हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ आर्ट्स। और यहाँ पे आज मैं आप लोगों को डोम्स के ये मैंने पेन लाए हैं, ब्रश पेन्स जिनको कहते हैं, इनसे कुछ आर्ट वर्क आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं बना रही हूँ, ऐसे आप देख रहे हो, सी शेप बना रही हूँ, थोड़ा सा कहीं डार्क कहीं लाइट इस तरह से करते हुए। देखिएगा, आपको फ्लावर का शेप दिखेगा, रोज़ फ्लावर जैसा दिख रहा है ना, तो ऐसे आप भी बनाइए तो आपको समझ में आएगा कि इस तरह से बनता है रोज़। अब फिर इसमें मैं एक 6 नंबर का ब्रश लेके, पानी लेके इसको फैलाऊंगी, पहले सबको थोड़ा थोड़ा करूंगी, फिर बाद में और भी आगे शेप्स देते जाएंगे इसको। तो आप देखो कितना अच्छा रोज़ बन के निकला है। अब हम लीव्स बनाएंगे। रोज़ की लीव्स ऐसे होती हैं, थोड़ी सी कांटे कांटेदार होती है, तो इसी तरह से बना सकते हैं, नहीं तो सिंपल भी बना सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो। फिर इसके अंदर भी हम पानी से इसको स्प्रेड कर लेंगे, तो ये भी बहुत अच्छा निखर के आएगा, एकदम लीव के जैसा। तो इस तरह से आप भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप बिगनर्स हैं तो। ये जो ट्यूटोरियल है मेरा, ये बिगनर्स के लिए ही है, इसमें भी बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आपको पेंटिंग में, ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं अपना। ये सब करते करते ना आप खुद ही रियलाइज़ करोगे कि आपको ये पसंद आ रहा है करना कि नहीं आ रहा है। अगर पसंद आता है तो ज़रूर ये है कि आप में आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ हैं। और फिर इस नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो ब्लू कलर का पेन लेके, उसमें सेम प्रोसीजर से फैला लिया है कलर को। और यहाँ पे भी आप देखो मैं पेटल बना रही हूँ, मतलब एक्चुअली ये पेटल भी नहीं है, थोड़ा सा खिला हुआ रोज़ है, इसको इस तरह से बना के इसमें भी पानी लगा के स्प्रेड कर लेना। तो यही पूरा करते जाना है इसमें, आप कुछ भी अपना बना सकते हो और कर सकते हो। फिर मैंने नेक्स्ट उसमें 2 कलर के पेन्स लेके बनाया और पूरा बुके रेडी हो जाएगा थोड़ी देर में। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मुझे सपोर्ट करिए। इसी तरह से मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आर्ट वर्क के। और ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल फॉर्म में नहीं रहेगा, न्यू बिगनर्स जो हैं, जो सीखना चाहते हैं, कुछ आर्ट में इंटरेस्ट है, कुछ बनाना चाहते हैं, ये उनके लिए है। फिर धीरे धीरे अंदर आप इसमें इस तरह से छोटे छोटे फ्लावर्स बना सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं आप। कोई पेपर में फ्लावर्स देख के भी बना सकते हैं, रेफरेंस के लिए आप ले सकते हैं गूगल से सर्च करके और फिर बना सकते हैं। यहाँ तो मैं अपने हिसाब से जैसा मेरे को ठीक लग रहा है वैसा मैं बनाती जा रही हूँ। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बन के रेडी हो गया, लेकिन ये मैं अब नेक्स्ट डे कर रही हूँ, जब वो पूरा अच्छे से सूख गया तो इसकी बॉर्डर वगैरह जो भी जहाँ पे हमने फैलाया था ना कलर्स, तो वहाँ पे हम बॉर्डर देंगे तो और भी अच्छे से उभर के फ्लावर्स दिखेंगे। ये बहुत ज़रूरी है आर्ट में, इस तरह से जब भी हम कलर वाटर कलर लेते हैं या वाटर से काम करते हैं तो फिर उसमें बॉर्डर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सब स्मगी सॉगी सा हो जाता है। और ये न्यू ईयर की आप लोग को सबको शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, ऑल माय व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।